हेलो एवरीवन, मैं देवशीष और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट ब्रांच कौन कौन सा है और आपके लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट होगा चूज करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कौन सा इंजीनियरिंग ब्रांच बेस्ट ब्रांच है तो आपको बात बताता हूँ कि कोई भी ब्रांच अलग से बेस्ट नहीं होती। हर एक ब्रांच की अपनी वैल्यू होती है। कोई ब्रांच अपनी जगह अपने अपने अलग फील्ड में हर एक ब्रांच बहुत बेस्ट है और उनकी अलग क्वालिटीज है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके कैसे इंटरेस्ट है, आपके क्या प्रायोरिटीज है, तो आपको कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो मैं तीन अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट होने वाली है, आपको कौन सा आपको अपने कंडीशन के हिसाब से उस कंडीशन को अपने ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहला हमारा कंडीशन है जो मैक्सिमम लोगों का होता है, जॉब सिक्योरिटी। मतलब लोगों को चाहिए होता है कि हम इंजीनियरिंग कर लें और मैक्सिमम इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको चाहिए जॉब जल्द से जल्द। तो जॉब्स के लिए आपको पता ही होगा कि मेनली आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल ईसी ये और आईटी ये सब में आपको जॉब आसानी से मिल जाएंगे प्लेसमेंट्स। मतलब कि तो इन ब्रांचेस में क्योंकि आज कंपनीज जॉब ज्यादा है और डिमांड और जो इंजीनियर्स हैं वो कम है, इस कारण से आपको आज जॉब्स मिल जाती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स गिर सकते हैं। मैं ये किस कंसेप्ट में उस वीडियो में तो बताया हूँ, पर आज क्या हो रहा है कि बहुत कंप्यूटर साइंस में खासकर बाकी ब्रांच के मुकाबले अलग से ही ज्यादा लोग कर रहे हैं। मतलब कि डबल बाकी ब्रांच के मुकाबले डबल लोग कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कि आज की जॉब से तो उनको जॉब्स मिल जा रही है, पर जब इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बढ़ जाएंगे तो एक सैचुरेशन आ जाएगा, फिर कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो बात में वही कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, जो ज्यादा अच्छा करेगा उन्हें जॉब्स मिलेगी। आज के डेट में कंप्यूटर साइंस में मतलब कोडिंग अगर आप पढ़ते तो जॉब्स मिल सकते हैं, तो आप कोडिंग वगैरह में ध्यान दो और कंप्यूटर साइंस वगैरह जो है इसमें आपको जॉब्स मिलने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी है तो आपको इन ब्रांच के लिए जाना चाहिए। आप ट्राई करो कि IIT ट्रिपल IIT और फिर NIT में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज में भी आपको कंप्यूटर साइंस मिलती है तो आप जरूर कर लो। फिर आते हैं ऐसे लोग जिनको किसी स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे लोगों को अपने जो जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड ही कोई ब्रांच चूज करना चाहिए। जैसे कि ऐसे लोग खासकर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस वगैरह बनाने के लिए सोच रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि जिनको जिस फील्ड में उनको कुछ करना है उस फील्ड में वो चूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में ले लियो और आप किसी और फील्ड में कुछ करना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको इंटरेस्ट है कुछ फूड इंडस्ट्री में कुछ करने का, पर आपने ले रखा है कंप्यूटर साइंस, तो आपको आप डेफिनेटली आप कर सकते हो फूड से रिलेटेड, फूड पर वो ऑलरेडी बन रखे हैं तो वो कॉम्पिटिशन में कुछ फायदा नहीं है। पर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है फूड प्रोसेसिंग की फील्ड में, तो आप फूड प्रोसेसिंग की फील्ड में के लिए अगर आप फूड प्रोसेसिंग में बीटेक करते हो तो आपको फायदा होगा। क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होगे तो आप कॉलेज जो 8 घंटा 9 घंटा आप रोजाना दे रहे होगे, वहां पर आप उसी से रिलेटेड कुछ पढ़ भी रहे होगे और आप अपने अलग से टाइम पे उस फील्ड में काम भी कर रहे होगे, तो इससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यहीं पर अगर आपका कुछ ब्रांच डिफरेंट है तो आप वहां पर रोज अपने 8 से 9 घंटे किसी और चीज को पढ़ने में लगा रहे होगे जो कि प्रोडक्टिव नहीं होगी। ऐसे लोगों को जो भी जिस चीज में इंटरेस्ट है जिस फील्ड में कुछ करना चाहते हो, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, जिनको टेक्सटाइल फील्ड में तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लो, जिनको फैशन डिजाइनिंग करना हो फैशन डिजाइनिंग के कोर्स ले, वैसे ही जिसमें इलेक्ट्रिकल करना है जिनको मतलब कि जिनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उसी फील्ड के ब्रांचेस को चूज करें, ये कहना है अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी ब्रांच को अगर आप चूज कर रहे हो मतलब किसमें इंटरेस्ट आपको ये फाइंड करना है, तो आप अगर उसका सिलेबस जरूर चेक करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि उसके सिलेबस अगर आप चेक नहीं करते और नाम सुन के चले जाते हैं, उसको सिलेबस चेक करने से आपको आइडिया हो जाए कि आप उसमें क्या पढ़ने वाले हो और आपके टाइम किस चीजों में इन्वेस्ट होने वाले हैं, जिससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो हम तीसरे में आते हैं जिसमें ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई अलग से किसी फील्ड में इंटरेस्ट भी नहीं है और ऐसा नहीं कि जॉब सी करना है, उन्हें अपना लाइफ बनाना करियर बनाना है, उन्हें अभी और भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो ऐसे लोग में क्या करते हैं कि बाकी उनका कोई फ्रेंड है, मान लो वो इस ब्रांच में ले रहा है तो मैं भी उसी ब्रांच को लेता हूँ, मैक्सिमम लोग कंप्यूटर साइंस लेते हैं, ये टॉप ब्रांच है तो मैं भी कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, ये सोच के लोग ले लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना है आपको। आप ऐसे लोगों के लिए मैं सलाह देना चाहूंगी आप लोग कॉलेज पे ज्यादा फोकस, मतलब कि आपको टॉप कॉलेज मिले ऐसा ज्यादा ट्राई करो, क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ नहीं है तो आपको कोई ब्रांच स्पेशली मतलब नहीं है। तो अगर आपका कॉलेज अगर अच्छा होगा ना तो वहाँ माहौल ऐसा होता है कि आप किसी ब्रांच में आपको उस ब्रांच में इंटरेस्ट जगने लगेगा, तो आप उस ब्रांच में फिर आप कुछ जरूर करोगे। तो कॉलेज अच्छा होने से क्या फायदा होता है कि कॉलेज एक तो अच्छा होगी, ये टीचर्स सभी कॉलेज में मतलब कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, बुरे नहीं मतलब उतने खास नहीं होते हैं, मतलब सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो हर कॉलेज में यही होता है, या तो IIT हो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। तो आपके लिए आप लोगों को कॉलेज बेस्ट लेना है, क्योंकि वहां से लोग जो मिलेंगे ना वो मेहनती करने वाले मिलेंगे और कुछ उखाड़ने वाले लोग मिलेंगे, तो आपको वैसे कॉलेज में जाने के अलग माहौल होता है, एक एनवायरमेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे मतलब वो दिन पर क्या बोलेंगे, आज पार्टी करते हैं आज वो करते हैं, बस टाइम पास की बात करेंगे। पर अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो वो मजे तो करते हैं लाइफ में, पर वो अपने करियर में भी ध्यान दे रहे होते हैं, तो आपको
कॉलेज पे फोकस करना है, आप एनआईएफ रैंकिंग को देखो कौन से कॉलेज का बेस्ट है और ट्राई करो कि सबसे टॉप रैंकिंग के कॉलेज में आप जाओ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी कि कोई भी ब्रांच बुरा नहीं होगा, कोई अच्छा नहीं होगा, हर एक ब्रांच की अपने एक यूनिक क्वालिटी है, हर एक अपना फील्ड है, हर एक ब्रांच हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ अहमियत रखता है, इसलिए वो ब्रांच बनाया गया है। तो आपको मतलब हर एक ब्रांच मतलब कि आपको जो अच्छा लगता है आप उस ब्रांच में जाओ और उस ब्रांच में वो करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जॉब्स के पीछे लोग भाग रहे होते हैं। अगर जॉब्स के पीछे भाग रहे हो, जैसे मैंने पहला बोला कंप्यूटर साइंस ले लो, कंप्यूटर साइंस मिला तो एनआईटी या फिर आईआईटी में, आईआईटी में जाओ, वहां से आप करो कोडिंग किसी भी ब्रांच को, नो मैटर आपको जॉब्स मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट में जरूर करो। इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी कर दो अगर अपने फ्रेंड्स को ताकि उनके भी कुछ हेल्प आ जाए।